is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. So, नया कुछ लाए हैं और हमने दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, मतलब भाई सिस्ट्रोलॉजी पे बहुत टाइम से हमें कमेंट्स आए, चीजें बोल रहे थे, हमने बोले कि हम इसलिए ये बेस्ट टाइम था हमारे लिए कि चलो अब तो ले ही लेते हैं, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी में भी आई गेस उनके 3-4 लोग हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं कि हमें सिस्ट्रोलॉजी के भी रिएक्शन देखने हैं, बट नॉट ज्यादा मतलब वी वर स्टक इन बिटवीन ऑनेस्टली स्टार्टिंग में. बीच में एक बार एक टाइम था जब बहुत सारे कमेंट्स आए थे सिस्ट्रोलॉजी के कोई तो वीडियो के लिए, करेंगे और आई डोंट नो वो मिस आउट हो गया, और आज बहुत एक्साइटेड कि आरू बन डकी है इसके अंदर और एक्साइटमेंट है भाई आज तो. अभी देखता है क्या है सिस्ट्रोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, बोलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है. मैं भी सिस्ट्रोलॉजी क्या टाइम ले बोलना पड़ता है, भाग रहे तो नहीं बोला जा रहा है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पहले सब तेरी आवाज बैठी हुई थी, अब मेरी भी बीच बीच में से बैठी हुई तेरी तो है. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भी बैठी हुई साउंड कर रही है थोड़ी कम. अब लोग नीचे कोविड कोविड बोलेंगे चुपचाप बैठी रहे. नहीं तो सिस्टरोलॉजी के वीडियोस अभी देखते हैं हम लोग, डकी एंड आरो तो ये देखते हैं. अरे पंद्रह बार बोल चुकी है, देखते हैं देखते हैं तू वीडियो एडिट करेगा. मेरे को अचानक से लगा कि वो टाइमर चालू नहीं है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्या हुआ अब? आप भी बताओ क्या कहना चाहते हो. मैंने अभी अपनी तैयारी नहीं दिखाई, मैं अभी बाद में दिखाऊंगी. हटना था आगे जाना. ओह अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ. ये लेकर आई थी बहुत ज्यादा जिद से और उसको इसमें एज अ वो यूज करना. लेट मी शो यू अनदर प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तुम क्यों इतनी कैट बनी हुई हो, लेकिन पाँव तुम्हारे नंगे हैं. नहीं क्या था, मुर्गी मैंने अंडे दिया, मुर्गी क्या खूब किया, पाँव कितने नंगे हैं, अंडे बड़े चंगे हैं, ऐसी पोइम थी ना. हिरा और राबिया दे आर स्टिल 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 लेट, क्योंकि वो अभी तक रेडी हो रही हैं. राबिया की लुक ही नहीं रिक्रिएट हो रही है. हमारे घर आपकी सोच है इतने वाइट शूज हैं, इतने वाइट शूज हैं, लेकिन यकीन करें वो समझ नहीं आती धोने हैं या फेंकने हैं, क्योंकि वाइट जूते हमेशा गंदे हो जाते हैं. मैंने भी वाइट पहना है, ये भी वाइट, वो भी वाइट, ये भी वाइट और ये ब्लैक. लुक दिखा दी जूतों के बगैर. यू आर लुकिंग नाइस बाय द वे. ये शर्ट किसकी है? नहीं कपड़े की है. नाइस. मेरी लुक तो दिखाई नहीं तुमने फुल. नहीं क्या नहीं दिखाई. अब आप भी की फुल लुक देख लें. ये मेरी आज की फुल लुक है. इसको कहते हैं ब्रंच. इसके जूते हैं और ये इसकी स्टाइल है. ये आउटफिट किस चीज के लिए होता है, किस चीज के लिए होता है? जैसे कि आप लोग मॉल में जाना होता है, जैसे कि आप नहीं बस नहीं नहीं एक मिनट आंखें बंद करो. ये लाइनर किस लिए होता है? ये लाइनर होता है बंदे की आंखें चलाक बनाने. और जो बंदा पहले चलाक उसकी आंखें चलाक बनाने का क्या फायदा. हमारे घर नए गेस्ट जो आए हैं वो ये हमारे छोटे से टेबल है जो हमने मेरी अम्मा जो ने उन्होंने ऑर्डर किए थे, तो हमारे घर पहुंच चुके हैं. Now guys, it's time to go. और अब हम जाने की तैयारियां कर रहे हैं, और हमारी जो बाकी की कुछ अदद बहने हैं ये देखें जरा, ये तो तैयार होगी, ये भी उतर आए. Oh my God, तू मेरे सामने. Go guys, चलो चलो चलो, हम सारी जरा बहने तो लाइन में खड़े हो प्लीज, सारी लाइन में. इसको तो पता नहीं कौन से क्या मिलेगा.
झाड़ू चलो दफा हो जाओ तुम उसको झाड़ू में चलो फातिमा सफाई करो पता लगे गिरी हो फातिमा सीधे पांव से फातिमा तुमने अपनी जीन सारी गंदी कर ली है तुम फातिमा को साइकिल देके इधर ही बिठा बकवास इसने फरमाइश की थी इसने फातिमा ये जानबूझ के ली थी अच्छा खासा कहा था कि इनको साइकिल ले लो और ये गंदी सी रेल ले ली है और वो देखो क्या हुआ अब पता लगे नहीं असली में आया दिखाओ मेरे घर वाले इस वक्त पीछे आप देख सकते हैं पागल हो चुके हैं पापा ही व्लॉग देख रहे हो तो पापा को बताऊंगी आपकी फातिमा ढूंढ रही है अपने लिए जूता तो मेरे हाथ में एक हमारा बड़ा ही पुराना सैंडल है ये बहुत पुराना जूता है बहुत पुराना ठीक है फातिमा उससे मैं आगे अपना बैग फेंक दिया था मेरे बैग की तरह कहाँ है वो देख प्लीज मुझे सॉक्स ये जूता बहुत प्यारा है ये जूता पहन लो बहुत प्यारा देखा फातिमा आज तुम्हारे दोनों सॉक्स एक जैसी हैं या अलग अलग हैं शुक्र है हमारे घर में ये बहुत ट्रेंड है भाई मैं तो दिखाऊंगा मैं कुछ कहना नहीं मैं सॉरी दी गैंग को कुछ मैं कह सकती थी कि आई लव यू गाइस एंड आई लव यू मोर देन मैं ही चीटिंग ना करो So we are here. हम लोग एक जगह पे पहुंच गए अपने गांव पे मैं अपने गांव पे हूँ एंड अभी हमें लगी है सब शदीद वाली भूख एंड हमें डिसाइड नहीं हमसे हो पा रहा कि हमें क्या खाना चाहिए ढोल तो उसका साउंड का नाम हमें क्या पता होगा यार वो ढोल बज के नहीं आता हमने जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए इसकी टडर टडर नहीं करता जी तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए सब बैठ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किन के साथ बैठे हैं मैं आपको क्या इतना आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल चलो व्लॉग के लिए कुछ करो We are with one and only a ducky bhai and Arup अच्छा मैं आपको बताऊं कि आपके जो डकी भाई है ये बिल्कुल रियल में चेंज है टोटली चेंज और ये तो जैसी ब्लॉग में है वैसी यहीं पे है और ही इज टोटली चेंज अभी बाद में एक्सपोज होगा अच्छा ऐसा ऐसा काफी लोगों को पता है ऑलरेडी पता है ना लोगों को अभी देखना अभी खाना है ना तो अभी ये मजेदार होगा अभी सारे मिलके मजेदार करेंगे नजर नहीं आ रहा अभी क्या ऐसे आए ये आपका क्या है तुम्हें कुछ और था ये बड़ा मजेदार किस्म का जो है ना उन्होंने चिकन के ऊपर डिजाइन बनाया था लेकिन व्हाइट लेकिन सॉस बदल गई तो फिर इसका डिजाइन तो नहीं ना बदलना चाहिए इसका पूरा जाविया बदल गया एक दूसरे की चीजें जरूर लेनी होती है यहाँ पे भी खाना शाना चल रहा है अच्छा मेरे पास यही है ये सारा नमक है और ये पता नहीं मछली है चिकन है के कलर का आटे बन के आया स्पेशल ये चिकन है ना नहीं क्योड़ा में है ओ सॉरी आज मुझे पहली बार लगा है कि हम किसी यूट्यूबर के साथ बैठे हैं मतलब उन्होंने जैसे कटना था
चाय चाय यू वांट चाय 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 अब भाई चाय का टाइम होता है और खाना शाना करते हैं पैक और उसके बाद आपको दिखाते हैं एक दमदार सी एक जगह जहाँ पे अरूप को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है वहां जाने की बब्बर का शेर नजर आएगा कि नहीं लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी बत्तियां सतियां हैं अभी 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 कहा आपने कि मेरा एक साल आपसे एक साल छोटा है तो मैं हुआ क्या मैंने ना मैंने ये लोग पूछे थे कि आपकी कितने बहन भाई हैं तो मैंने कहा कि मेरे से एक तो मुनीब है एक मेरे से साल छोटा भाई है हाँ। तो इसको लगा मेरा कोई एक साल का भाई है जो चलना सीख रहा होगा खाना सीख रहा अभी उसने पापा बोला है बस पापा बोला तो मानो ने वो छोड़ा आप मैं अभी बता रही थी आपको कि जैसे आप अपने व्लॉग्स में मुनीब को तंग करते हैं ना हम मानो को करते हैं ये रोस्ट होती मानो की मुनीबा है कौन सा बच्चा वो बच्चे और डैडी और छोटे ये देखा ये कब से यहाँ घूम रहा है कब से ये बच्चा यहाँ घूम ये भी पता कि हम वीडियो बना रहे हैं फिर भी यहाँ पे घूम जा रहे हैं फिर वहाँ पे जाके शिकायत भी लगा रहे हैं अपनी अम्मा को ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनिक तगड़ी चाय बना के ला रहे हो आपने वही टी बैग को फाड़ के जो है ये टी बैग फाड़ के चाय बनाई है हमें लगा हम स्पेशल आपने कहा था सो हम लोग यहाँ पे गए थे खो मैं और फातिमा बनाए थे अपनी अपनी पिक्चर्स एंड यहाँ पे ये सब लोग ये देखो जरा शेर वहाँ पे नजर जरा भी नहीं आ रहा क्यों ये होता है ब्लॉगर क्लैश मैं अब शेर को जा रही हूँ जगाने यहाँ पे हाँ शेर तुम्हारी वजह से जागेगा ना वो पहले ही जाग रहा है तुम्हारा वेट कर रहा है मेरा ही तो वेट कर रहा है मैं बहुत थक रहा हूँ मेरी लॉसेस यार यहाँ से कितनी बुरी स्मेल आ रही है मुझे ही आ रही है कि आपको भी आ रही है मुझे भी आ रही है शेर ने भी अभी अभी खाना खाया ना खाना तो खाना ही खाया ना उसने वो खाना निकाल भी दिया नहीं आप ये मुझे लगता है मॉस्किटो तो तुम एक मच्छर हो नहीं मॉस्किटो तुम्हें मच्छर वाला गाना याद है मच्छर वाला गाना हाँ मच्छर हूँ मैं रूही मेरा नाम इनकी देखे इनकी इनका चल रहा है फोटो सेशन और स्नैपचैट सेशन ये साथ में फ्री में मिलेगा और ये साथ ₹5 में मिलेंगे गुड वाइब्स गुड वाइब्स ओनली गुड लाइट ओनली नहीं कह रहा वो भी बंद होगी माइंड करिए अब हमने जाना है घर वापस और हम ये छोड़ के जा रहे थे सो नाउ इट्स टाइम टू लीव अब सबको नींद आ रही है मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही है और सबसे ज्यादा तो अरूप को नींद आ रही है अरूप मैं बताती हूं क्या कर मैंने आपसे पूछ लिया मैंने क्या हुआ है नींद तो नहीं आ रही वैसे अब ये नींद नहीं आ रही तो और कब आती है जब इंसान थका होता तब भी होता है रावण देखो रावण साइड है फॉर रन अब इनके जाने का समय हुआ जाता है बाय बाय टेक केयर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सब लोगों को बाय ईद मुबारक बाय अभी जो है हमारे और भी प्लान्स बनने हैं कोई जाना था वैसे तो आज हम लोगों ने जाना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया आज हमारे साथ एक और भी पर्सन थे हमारे साथ एक और भी मेहमान आने थे लेकिन वो थोड़े बिजी हो गए हैं तो लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है कुछ चलेंगे कोई बॉलिंग वॉलिंग करेंगे ओके गाइस टेक केयर लव यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल सूरज भी बिल्कुल अभी मैं एकदम सूरज के सामने आऊंगी तो मेरी मुंह की लाइट चेंज होगी देखिए कोई नहीं हुई है 5 महीने एक यूट्यूब चैनल चालू कर लो सब मजे ना एग्जैक्टली एक यू नो प्रॉपर गैंग टाइप फील है योगी सिबलिंग्स के बीच में ना हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा रहता है एंड देयर इज दिस थिंग एक गर्ल गैंग का ना हमेशा एक अलग ही क्योंकि उन लोग के बीच में कुछ अलग ही चल रहा रहता है वो फिर मस्त बट लड़कों के और लड़कियों की मस्ती बहुत अलग होती है पता है क्या लड़की जब अपने वो अगर बोलूँ तो अभी बचकान वो आपस और प्लीज नहीं मतलब वो अरे आंटी का मन बाद में बात करेंगे अपन बॉर्ड में को भी बॉर्ड करेंगे अभी बात करना मैं मेरे भाई के साथ वीडियो बनाऊंगा किसी दिन उसके साथ बात करेंगे अभी बनाओ ना मैं और अच्छा एक वीडियो तू तेरे भाई दिखा ना दिखा ना जरा फन अलग भाई लोग देखना चाहेंगे यूट्यूब बंद कर देगा फिर गाइडलाइंस के अगेंस्ट है बंद गॉड भाई
डिवाइडेड है ना तो एक अलग ही फन होगा इधर है वैसा वाला एंड काफी यू नो आई थिंक बहुत कैजुअल ब्लॉग था बहुत ज्यादा हाँ कि जस्ट यू नो एक वाइब में है ठीक है दे ऑल लाइक फन चिल कर रहे हैं दैट्स ऑल कुछ भी नहीं मुझे लगा आरू बन रखी भाई है तो कुछ अलग होने वाला लेकिन वो काफी कैजुअल था ये डिनर था वैसे ये फीट उनका भी नहीं एक डिनर डेट था डिनर था निकल जाता है अरे आगे निकल जाती है निकल जाता है मुंह से Yeah, it was nice. मतलब fun था वो ये मस्ती देखना बहुत एक दूसरे की ले रहे हैं कनेक्टिविटी काफी ज्यादा थी कि ना बस चिल कर रहे इट इज नो वरना ऐसे यू नो जब ऐसे यूट्यूबर्स को देखते हैं जो बहुत हंसते वस्ते हैं तो ऐसा लगता है यार ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं मतलब इन लोग का फन ऐसा लगा था यार काफी कैजुअल फन था कि यू नो इन द फ्लो जो हो रहा है बाहर कितने सुंदर प्लांट्स हैं इतना अरे पूरा उन्होंने जो ऐसे ब्लैक ग्रे रखा हुआ है अपने प्लांट्स सब वो टूट के दिख रहे हैं प्लांट्स उसके कारण बहुत सुंदर एंड आई लव आलू बहुत सच में बहुत डिसेंट है कितनी प्रिटी कितनी सिंपल प्रिटी बट मुझे लगता है जो जितनी सिंपल है ना उतनी ज्यादा प्रिटी मेरे को लगती है यार वो पर्सनली यार एकदम सिंपल अरे यार ठीक है लोग ऐसे देख रहे मेरी बजा रहे ये लोग साइलेंट किलर है जब बोलती है रोस्ट करने के लिए कुछ भी बोलती है तो एक लाइन में एकदम बूम होता है ऐसा तो ये चिल था ये टकी भाई के इनसे भी एक वीडियो है हमने जूस के सिस्ट्रोलॉजी डेली ब्लॉग के बीच में कोई ऐसा वैसा ही हमें बस देखना था कि क्या है सिस्ट्रोलॉजी का तो हमने इनके साइड का वीडियो चूज किया था यस इट वाज फन थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच